हेलो गाइस, नमस्ते, राम राम जी। मैं रवि, आप देख रहे हैं फेमस रवि यूट्यूब चैनल। तो गाइस, फिलहाल इस वक्त आप देख सकते हैं मैंने एक नई यात्रा आरंभ कर दी है और मैं जा रहा हूँ अपने करनाल जिले से कांगड़ा जिला। अगर किसी को कांगड़ा के बारे में नहीं पता है ना, तो कांगड़ा भाई हिमाचल प्रदेश का जिला है और वहाँ पर ज्वालामुखी देवी है। और अपना मैं वहाँ पर जा रहा हूँ भाई, देख सकते हैं साइकिल से जा रहा हूँ। अभी यहाँ पर मैं रेडबुल पी रहा हूँ भाई, देख सकते हैं। और अपना बहुत मजा आएगा सफर में। और अभी मैं करनाल जाऊंगा, करनाल से कुरुक्षेत्र जाऊंगा, कुरुक्षेत्र से मैं शाहबाद जाऊंगा। जब मैंने आपको पिछली यात्रा में दिखा था उसी मंदिर में रुकूंगा मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी साइकिल गिर गई है भाई हवा के झोंके से। चलो कोई बात नहीं, अपना ठीक है भाई, प्लेट तो नहीं लगी, नीचे प्लेट टूट जाती है भाई ये बार बार। चलो कोई बात नहीं, अपना उठाते साइकिल को, अभी चलते। अपना रेडबुल दे दी थी एक भाई ने, बहुत अच्छा लग रहा है पीकर। और ठंडा पानी दे दिया था भाई एक भाई ने बोतल में डालकर, यही पर शेखपुरा गाँव में। बहुत बहुत धन्यवाद उन भाइयों का अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो। ये भाई अलावला था भाई, ये भाई बिगाना गांव था भाई, अभी जा रहा था, रास्ते में रोक लिया था इन भाइयों ने। और अभी अपना सफर शुरू करते हैं भाई। आपने केदारनाथ देख लिया यूट्यूब पर और अपना अयोध्या देख लिया भाई, माता वैष्णो देवी देख लिया। अब देखना भी कांगड़ा जाऊंगा मैं, कांगड़ा वहां पर भाई बिना बाती के जोत चलती है, तो अभी चलते हैं। कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। इस पर एक और शेर याद आ गया, उस शख्स को कोई नहीं गिरा सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। गाइस, अभी आप देख सकते हैं भाई मैं चिड़ाऊ पहुंचने वाला था, तो रास्ते में तीन भाई मिल गए। और भाई सब क्या और भाई कौन से गांव था भाई? अच्छा, ये लावला था भाई, ये कतलाड़ी था भाई, बढ़िया लग भाई। अपना भाई ने रोक लिया था, मैं इस भाई ने तो अपना आल्टो गाड़ी रोक ली थी। चलो अभी मैं जा रहा हूँ भाई चिड़ाऊ की तरफ, अपना चिड़ाऊ मोड़ से भी करनाल, वो करनाल में नदी के सारे चला जाऊंगा मैं NH-44 पर। तो गाइस, अभी मैं बैठा हूँ तरावड़ी के आसपास और गर्मी कुछ ज्यादा नहीं हो रखी है भाई, कुछ गर्मी है बस थोड़ी। यहाँ पर खड़े में दुरंत एक्सप्रेस आप देख सकते हैं। और मैं नदी के सारे करनाल को बाईपास करके आ चुका था यहाँ पर, NH-44 के सारे खड़ा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई सर्विस लेन में। और अपना अभी जा रहा हूँ भाई, अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। अभी लगभग 11:30 बज चुके होंगे भाई, मैं कुरुक्षेत्र पहुंच जाऊंगा थोड़ी देर बाद। और अपना कुरुक्षेत्र पहुंचकर रोटी खाएंगे और अपना एक मुझे वो लेना है मैट लेना, ठीक है, सोने का मैट लेना भाई। और अपना कैंपिंग टेंट भी ले सकता हूं और भाई एक लेना मुझे ट्राईपॉड, ठीक है। ये तीन चीज पक्का लेनी है भाई मुझे, क्योंकि भाई इनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा ट्रैवलर हो चुका हूं भाई। अब मुझे छोटी चीजों पर मतलब कि कायम नहीं रहना चाहिए, मुझे कुछ बड़ा भी करना चाहिए, ठीक है। अपना सब कुछ सामान लेंगे भाई, ट्राईपॉड सब कुछ लेंगे, अपना चलते फिर आगे की तरफ। थोड़ी देर बैठ जाता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, वरना मैं मुंह पर ढक के रखता हूँ भाई, क्योंकि मैं काला हो जाऊंगा, ठीक है। तो गाइस, अभी आप देख सकते हैं भाई मैं तरावड़ी में बैठा हूँ और मैं यहाँ पर भाई ये जलजीरा पी रहा हूँ, एक भाई ने पिला दिया था यहाँ पर, उसने मुझे पहचान लिया था भाई। और मेरे बहू पुलाना भी शादी हुई है भाई, अभी लगभग 12:30 हो चुके हैं, दोपहर तो बहुत ज्यादा हो चुकी है भाई, ये विश्राम करने का टाइम है। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, पिपड़ी तक तो जाना पड़ेगा आज। आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर ये भाई खड़ा है भाई, वो ठीक है अपने इसकी रेडी है। और यहाँ पर मैंने अपना चावल खाए थे कड़ी चावल, और अपना ये जलजीरा बना रहा है यहाँ पर। अभी मुझे कुरुक्षेत्र के दो भाइयों ने खाना खिला दिया था, मेरे पैसे भी नहीं लगे भाई, उन्होंने पैसे दे दिए मेरे। तो मैं ये सोच रहा हूँ भाई मतलब कि मैं तो मतलब फ्री हो चुका हूँ भाई, और मैंने पहले मेहनत की हुई है भाई से, लोग मुझे जानते हैं, मुझे हरियाणा लोग जानने ही लग गया भाई, जो मेरे जैसे लड़के हैं ना वो तो जानने लग गए हैं भाई। तो मतलब कि अपना इंडिया कुछ ऐसा है भाई, अपना सब कुछ फ्री में लगभग हो जाता है अगर आप मेहनत करते हैं ना, लोग आपको जानते हैं, बहुत अच्छा लगता है भाई। जैसे कई लोग घूम रहे हैं भाई साइकिल से, मेरे जैसे कई लोग घूम रहे हैं, जैसे 587 लोग है, वो बंदा ही बहुत मेहनत कर रहा है भाई, क्योंकि उनका कुछ नहीं जाता इतने पैसे देने में, उन्होंने बस लगभग एक प्लेट चावल की खिला दी मान, ठीक है। और अपना उस भाई ने जलजीरा फ्री में पिला दिया, तो ये कुछ बातें होती है मतलब कि इन पर गौर करना थोड़ा सा जरूरी होता है। अपना जा रहा था नीलोखेड़ी की तरफ भाई, थोड़ा सा रुक गया था यहाँ पर अपना, कोई नहीं अभी चलते हैं भाई। और बहुत अच्छा लग रहा है भाई इस यात्रा में, और आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई, ऐसे सपोर्ट करके रखो यूट्यूब पे। मेरे यूट्यूब व्लॉग देख के एक बार कमेंट में ये बता दिया करो भाई कैसे लगते हैं आप लोगों को, अच्छे व्लॉग का क्या कमी है, क्या मतलब अच्छा है, ठीक है, सब कुछ बता दिया करो। तो गाइस, अभी आप देख सकते हैं भाई मुझे रास्ते में चलते चलते दोस्त मिला है भाई। और भाई सब क्या चल रहा है? बढ़िया भैया, जय माता दी। जय माता दी, क्या नाम अपना? रणवीर सिंह भैया। अच्छा, रणवीर सिंह कहाँ के रहने वाले हो? मैं उत्तराखंड के रहने वाला हूँ, उधमसिंह नगर का। अच्छा, उत्तराखंड के रहने वाले है भाई। आप कब निकले थे मतलब की अपनी साइकिल यात्रा पर? मुझे 1.5 साल हो चुका है निकले हुए। अच्छा, 1.5 साल हो गया? हाँ, 1.5 साल हो गया। ओह माय गॉड, घर 1.5 साल में 12,500 किलोमीटर चला हुआ, घर नहीं गया अभी तक, घर नहीं गया अभी तक। अच्छा, खर्चा वगैरह कैसे चलाते हो? जो लोकल पीपल होते हैं वो हेल्प करते हैं, रहने का, खाने का, पीने का सब कुछ। अच्छा, मतलब अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत बढ़िया भाई, एज कितनी होगी अपनी? मेरी 23, ठीक है। मैं इसकी साइकिल दिखाता हूँ आप लोगों को एक बार, आप देख सकते हैं भाई, ये देखो इसकी साइकिल है, देवभूमि उत्तराखंड से अमरनाथ 12 ज्योतिर्लिंगम और 4 धाम शक्तिपीठ की साइकिल यात्रा 16,000 किलोमीटर। ओ माई गॉड, बहुत अच्छी बात है भाई। और इसके चैनल का नाम है भाई यूट्यूब, ये कार्तिक महाकाल ऑफिशियल व्लॉग, देखने हो तो भाई देख लेना, बहुत अच्छा बंदा। 1.5 साल निकले हुए हो गया भाई घर से, तो आप देख सकते हैं कितनी मेहनत कर रहा होगा भाई ये बंदा, बहुत अच्छी बात है। देखो
यहाँ पर अपने इंडिया का फ्लैग और अपना हनुमान जी का फ्लैग देखो दोनों है भाई। मेरे पास कोई फ्लैग नहीं है भाई, ये फ्लैग भी बांध रखे है भाई। और देखो हवा का जोर कितना पड़ता होगा भाई, बहुत दिक्कत आती है चलाने में भाई। के साइकिल के टायर तो मोटे हैं भाई, मेरे वाली के बहुत ज्यादा पतले हैं देखो भाई। मतलब कि भाई ये है कि मेहनत कर रहा है भाई, बहुत अच्छी बात है भाई, मिलकर बहुत अच्छा लगा भाई आपसे। अभी आगे कहाँ जाओगे आप? अभी जा रहा था अपना चंडीगढ़ होते हुए। हाँ चंडीगढ़ होते हुए नैना सखी पीठ करते हुए ज्वाला करते हुए अमरनाथ जा रहा था। हाँ बहुत अच्छी बात है, अमरनाथ जा रहा है भाई। तो भाई जी मैं शाहबाद मारकंडा मंदिर में जा रहा था तो ये भाई मिल गए भाई। और भाई साहब क्या ठीक है? और भाई बढ़िया जी बढ़िया साहब आता भाई। अच्छा ये भाई साहब आता है, अभी कहाँ गए थे? बुआ के घर गए थे भाई। अभी मैं साबर मारकंडा नदी में रुकने वाला हूँ ठीक है, मारकंडा मंदिर में। और अपना वो भाई पीछे अपना वो भी तैयार है, ये भाई मिल गया था पीछे, मैंने आपको दिखा दिया था। भाई जी मैं आ चुका मारकंडा मंदिर में, यहाँ पर बैठे हम दोनों भाई, आप देख सकते हैं भाई। और अपना सामान वगैरह यहाँ पर रखा, साइकिल मेरी उधर खड़ी है पार्किंग में। अभी मैं यहाँ पर पूछने जा रहा हूँ मुझे रूम मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, पिछली बार तो मिल गया था भाई, देखता हूँ अब की बार दे देंगे शायद भाई। यहाँ पर थोड़ी स्पीड हो रखी है, अमरनाथ यात्रा जाने वाली है शायद यहाँ से। चलो भाई मिल जाएगा शायद, लगभग 100% में से 90% मिल जाएगा। अभी वहाँ जाकर पूछता हूँ, मैं ओबी से पूछता हूँ, वहाँ पर मिल जाएगा भाई रूम मुझे। चलो फिर चले घूमने साथ में, चलते आधार कार्ड उधर ठीक है। साइकिल उधर खड़ी है, सामान भी उधर ही है बस भाई का, तो उधर साइकिल खड़ी है। अपना आधार कार्ड उठाते हैं और अपना पूछने चलते हैं भाई सबसे पहले। बैग मैं लटका लेता हूँ, बैग में इसलिए लेके जा रहा हूँ ताकि भाई ऐसे हो जाए मतलब कि हाँ बंदा ट्रैवलर है, ऐसे खाली आ जाऊंगा ना तो लगेगा नहीं ठीक है। और अपना रूम मिल जाएगा भाई, चलो। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं भाई हमें यहाँ पर रूम मिल चुका है, और ये भाई साहब भी खड़े हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो भाई जी। आप हाँ जी बढ़िया जी। और आप देख सकते हैं भाई यहाँ पर मुझे गद्दे तो नहीं मिले यार, गद्दे तो दिखाई नहीं दे रहे। बाकी कोई बात नहीं, हम गद्दे यहाँ पर मांग लेंगे भाई। अपना यहाँ पर सोना पड़ेगा, मैट टाइल नीचे बिछा हुआ है। यहाँ पर हमने अपनी दुरंत एक्सप्रेस खड़ी कर दी, आप देख सकते हैं भाई है। ये दुरंत एक्सप्रेस नाम मिलेगा, ये खुशी है चाहते हैं हम खुशी, इसकी साइकिल का नाम खुशी है भाई। और मेरी दुरंत एक्सप्रेस 7 बजने वाले हैं भाई, 7:30 बजे हम रोटी खा लेंगे यहाँ पर, घंटी 11 बजेगी ठीक है। और अपना उसके बाद एडिटिंग करेंगे वे लोग की, फिर सो जाएंगे और सुबह उठकर लगभग 8 बजे करीब 7 बजे करीब हम यहाँ से चले जाएंगे। क्या चल रहा है भाई साहब, फोटोशूट? अच्छा इस भाई की फोटो ली जा रही है। अच्छा ये तेरा फोन है या इसका फोन है? मेरे फोन। अच्छा तेरा फोन है, तेरा फोन करा भाई? मेरा स्विच ऑफ हो। अच्छा स्विच ऑफ हो गया। अच्छा हाँ भाई साहब बताओ कैसा लग रहा है यहाँ पर हरियाणा में? अच्छा बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा मारकंडेश्वर मंदिर है ठीक है हमारे यहाँ। मतलब हरियाणा में कितनी बार विजिट किया आपने पहले? कभी पहली बार हरियाणा में। अच्छा कहाँ को गए थे जब आप उत्तराखंड से निकले थे? उत्तराखंड से निकले, हाँ राजस्थान। राजस्थान गए थे? अच्छा फिर राजस्थान मतलब कि आप कहाँ को कर गए? खाटू श्याम जी मथुरा वृंदावन करते हुए गुजरात। अच्छा एमपी करते हुए कर्नाटका केरला तमिलनाडु महाराष्ट्र करते हुए तमिलनाडु। अच्छा बंगाल बिहार असम उत्तर प्रदेश झारखंड करते हुए यूपी करते हुए अभी आज वो हरियाणा। ओ भाई साहब मतलब कि ये सब साइकिल से किया आपने ना? पहले पैदल था। अच्छा पैदल था पहले है ना? हाँ तो किसी ने अच्छा गिफ्ट कर दी थी साइकिल किसी ने? देखो पहले पैदल यात्रा कर रहा था भाई, फिर इसके बाद किसी ने साइकिल गिफ्ट कर दी। देखो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है भाई, तेरी मेहनत थी ये सब। हाँ बस महादेव कृपा है। ये क्या लगा रखा? चंदन हमेशा लगा के रखते हो? अच्छा आप सुबह लगाते हो? सुबह शाम हमेशा। अच्छा आप अपने बैग में हमेशा रहता है? अच्छा पूजा करता हूँ। अच्छा पूजा करते हो सुबह शिव की? अच्छा बहुत अच्छी बात है भाई, देखो शिव से रूप ही ऐसा लगता है बंदे का ठीक है। भले सही है भाई, इसकी श्रद्धा अच्छी बात है यार। देखो यहाँ पर हम मारकंडेश्वर मंदिर में है यहाँ पर, और हमने पूछा था यहाँ पर अपना रूम मिल जाएगा तो उन्होंने फटाफट दे दिया भाई। और एकदम बोले कि क्या करना है, मतलब कि ऐसे ऐसे कर रहा हूँ मैं, चिंतापूर्णी माता और ज्वाला माता पर जा रहा हूँ, उन्होंने फटाफट दे दिया भाई। मैंने पूछा सबसे पहले, मैंने इसको यहाँ पर बिठा दिया था अपना, मैं पूछ के आ गया था भाई उधर। और अपना देखो यहाँ पर पार्क है छोटा सा, और उधर भी है पार्क भाई, वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा खेलने का सामान नहीं है, उधर सामान है खेलने का। यहाँ पर कैंटीन वगैरह भी है भाई, मतलब कि आप अपने पैसों से खाते हो कुछ वगैरह? मतलब कुछ दिन में अपना दिन का ये रहता है, मैं सिर्फ एक टाइम का खाना खाऊंगा, या सुबह को खाऊंगा या शाम को खाऊंगा, पूरे दिन का ये रहता है। चलता हूँ तो कोई चाय पिला देगा, कोई पानी पिला देगा, कोई बिस्कुट दे देता है, उससे काम चला। कभी कोई 4-4 दिन तक मैं खाना नहीं खाता, भूखा रहता हूँ मैं। जहाँ पे मुझे खाना मिल जाएगा वहाँ पे खा लेता हूँ, जहाँ पे ना मिलेगा वहाँ पे अपने बिस्कुट खा के पानी पी के सो जाते हैं। ओह माय गॉड, तो किसी मांगते नहीं। अच्छा मांगते नहीं किसी? अपनी इच्छा से कोई खिला दे भाई अपना खिला दे, वरना किसी मांगते नहीं है भाई। 4-4 दिन भूखा रह लेता है भाई, थोड़ा सा पतला हो गया भाई का, 4-4 दिन भूखा कौन रहता है भाई, हमसे तो निराश आएगा भाई। 3 टाइम का खाना चाहिए भाई, अपने पैसों से खाना पड़े चाहिए। अपना रूम ले लिया यहाँ पर, अपने रूम में जाते हैं भाई, फोन चार्ज लगा लेते हैं अपना, इस लोग को ये ब्रांड कर देते हैं। तो आई होप गाइस व्लॉग आपको पसंद आए, लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में, आपके लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।